हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए, ये आज ही समूह का स्टार्ट होता है। क्या अकाउंटिंग क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। हाँ, सबसे पहले समझ लीजिए आखिर अकाउंटिंग क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं। देखिए, लगभग हम लोगों ने यही यही समझा सुना है क्या टैली स्टार्ट। तो याद रखिए, टैली एक सॉफ्टवेयर और हर एक जगह इसमें देख रहे हैं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे भी आपको सुना है हम टैली पढ़ना है, पीजी पढ़ना है, मार्ग है, फिर व्यापार है, बहुत ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बहुत ऐसी कंपनियां हैं, बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो अपना प्रॉपर खुद का एक बना लिया सॉफ्टवेयर है। समझे ना, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है वैसे अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोग्रामिंग करके एक अलग सॉफ्टवेयर बना लिया। समझे ना, जैसे जरूरत हो वैसे डेटा बेस बन करके तैयार। समझे ना, तो वैसे डाटा बेस बनाने के लिए तो अगर जो टैली हम सॉफ्टवेयर से पहले पढ़े रहे हैं अदर सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पाएंगे ना, सबसे पहले हम क्या पढ़ना होगा? थ्योरी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? और लगभग हम लोग अकाउंटिंग का थ्योरी कम से कम 20 25 दिन तक चाहिए। आज में समझ लीजिए, पहले 20 से 25 दिन लगभग होगा थ्योरी चलेगा, तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों को लाइफ में चाहिए। आज में जो तो लोग थ्योरी पढ़े वैसे हम लोग का टाइम खत्म। आज में इससे पहले आप लोग हिंदी का भी पढ़ा क्या पढ़े, तो जब भी आप लोग यहाँ पढ़ करके जाएंगे नहीं है पूरा करना तो कम से कम 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आप अपनी सीट पर जरूर बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सीट पर नहीं बैठेंगे दूसरा कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा, जब वो बैठने लग जाएगा नहीं हमारा सीट, हम यहाँ बैठे। समझे ना, कहीं आपको का नाम भी नोट किया गया होगा, 2 दिन 4 दिन नहीं बैठे वहां से नाम काट दिया जाएगा। और जब आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो आप उससे जाएंगे तो वही बहस होने लगेगा, नहीं हमारा सीट है तो कहेंगे हमारा सीट। समझे ना, जब रेगुलर आप बैठते रहेंगे कोई समस्या क्लियर है ना, तो जब यहाँ से जाएंगे पढ़ना। याद रखिए, इसीलिए हिंदी टाइपिंग इसमें पढ़ाया जाता है, शुरू में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। प्रैक्टिकल पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इस टैली स्टार्ट करने पहले हिंदी टाइपिंग बताया है कि जब तक आपका थ्योरी चलेगा तब लैब में प्रैक्टिस करके आपका हिंदी टाइपिंग करेगा। हर समय ना हिंदी टाइपिंग करने का समय मिल जाएगा और आपका प्रैक्टिस ही बन जाएगा। हर समय ना, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम जाने हैं क्या अकाउंटिंग, और इस अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल। कि अगर जो आप अकाउंटिंग करने जाए तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अकाउंटिंग क्या है ये हमको जानना है। और एक चीज देख लीजिए, नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा जो नोट्स नॉर्मल लैंग्वेज इसमें है। और समझे ना, इसमें देखिए अगर हम यहीं से देखें तो सबसे पहले क्या रहा, क्या फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट कह रहा है आगे कि किसी इंटरप्राइजेस के बिजनेस के लेन देन का वर्गीकरण। अब समझ लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है किसी भी कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस में हम लेन देन का वर्गीकरण कर रहे हैं, इससे हम कितने अमाउंट का सामान परचेस किए और किससे हम कितने अमाउंट का सामान खरीदा, वही वर्गीकरण रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर है ना, अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग क्या है, तो कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस के लेन देन के ट्रांजेक्शन का अगर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। क्लियर है ना। हाँ, जो आगे कह रहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य, क्योंकि अकाउंटिंग करने का भी एक उद्देश्य है ना, तो कोई भी काम करते उसका एक जरूर उद्देश्य होता है। समझे ना, पढ़ने आए तो हमारे उद्देश्य का पढ़ करके आगे बढ़े। समझे ना, मार्केट में जाना है तुम्हारे कुछ कुछ लक्ष्य हम ये सामान खरीद कर लेंगे। वैसे अकाउंटिंग का भी एक प्राइमरी उद्देश्य है जो क्या, उस बिजनेस के फाइनेंशियल
लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना कि अगर हमारे बिजनेस में कोई अकाउंटिंग ना निर्धारित करें, कोई अकाउंटिंग ना करें, तो हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल लेन देन जो एक साल में कितना हम लेन देन कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता नहीं लगा पाए। लेकिन जब वही अकाउंटिंग करें तो एक स्टेटमेंट तैयार होगा, एक रिपोर्ट तैयार होगा जिसके बारे में हम आसानी से चेक कर सकते हैं। करें यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट, जिस भी बिजनेस हम अकाउंटिंग करेंगे उस बिजनेस का रिजल्ट, रिजल्ट में क्या हो सकता है, यानी लाभ या हानि का भी पता लगा सकते हैं। उस बिजनेस में क्या हुआ, कब हानि हुआ और कब लॉस हुआ, ये प्रॉफिट कब हुआ, ये हमको पता लगाना है जिसके माध्यम से लगाएंगे, अकाउंटिंग के माध्यम से। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं, तो ये वित्तीय स्थिति समझने से पहले समझ लीजिए अकाउंटिंग अवधि यानी कि ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है, आया समझे ना। अब अकाउंटिंग पीरियड जैसे आप नया साल मनाते हैं ना, नया साल कब से मनाते हैं, जनवरी से, हाँ 1 जनवरी से, और खत्म कब हो जाता है, 31 दिसंबर, यही होता है ना। सेम उसी प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग करने आएंगे ना, तो अकाउंटिंग होता है 1 अप्रैल, कब से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को क्या होगा, स्टार्ट होगा और खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च। क्लियर है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये क्या कर रहे हो जी, बहुत बाहर निकल बात कर रहे हो, चलिए ध्यान दीजिए कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, और खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च। चलिए यहाँ पे जो दे रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा एक अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर, कोई अकाउंटिंग अवधि समाप्त हो रहा है और जब वो समाप्त हो रहा है ना, उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं, जो बिजनेस है तो पिछले साल किस कंडीशन में था और इस साल किस कंडीशन में, अगर स्थिति पता लगाना है इसके माध्यम से अकाउंटिंग अवधि यानी अकाउंटिंग पीरियड के माध्यम से। कैसे, देखिए बिल्कुल सिंपल हम ले लें क्या, तो सबसे पहले हम एक अकाउंटिंग पीरियड ले लेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022, कब से स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल 2022, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023। क्लियर है ना। अब ये तो हम एक अकाउंटिंग तैयार कर लिए हैं, इसका स्टेटमेंट हमारे पास है कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस, आया समझे ना, हाँ या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों को एक ही होगा ना, दोनों एक साथ होगा ना, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस होगा। हम ये मान लें कि ये फाइनेंशियल ईयर में हमारे बिजनेस में कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 10,000, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर लेते हैं क्या, तो अगला हमने लिए कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023, और खत्म कब होगा, ये 31 मार्च 2000। क्लियर है ना। अब एक स्टेटमेंट हम तैयार किए इसका भी 23 और 24, तो इसमें हमको पता चला नहीं ज्यादा नहीं बस 5,000 प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हम इसके अपेक्षा वित्तीय स्थिति जो हमारा फाइनेंशियल समाप्त हुआ है उसके अपेक्षा हम पता लगाएंगे ना कि आखिर पिछले फाइनेंशियल में हम क्या किए थे, 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या किए हैं कि 5,000 का इससे प्रॉफिट, आया समझे ना, क्योंकि कहीं कहीं लॉस हुआ तभी तो। तो अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे और स्थिति का पता नहीं लगाएंगे क्या हो पाएगा, सारा काम किसके माध्यम से होना है, फाइनेंशियल। अब इतना समझ लीजिए कि जब हम 22 और 23 के थे ना, अकाउंटिंग के बारे में हमको कुछ पता नहीं था, तो कोई वहां पर रिपोर्ट नहीं तैयार, आया समझे ना, और जब रिपोर्ट नहीं तैयार किए, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में उस साल में हमारा बिजनेस बिल्कुल सही चला और प्रॉफिट हुआ था कितने का, और इस बार हमारे बिजनेस में मात्र कितने का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हाँ इस बार हम स्टेटमेंट बनाए क्या, जो वित्तीय स्थिति है उससे पता लगा पाए किस प्रकार से बिजनेस हम किए थे, इससे कितना ट्रांजेक्शन किए थे, कितना एक्सपेंस किए थे, ये पता नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि उसका हमारे पास कोई लेन देन का वर्गीकरण, आया समझे ना। तो ये सारा जितना भी हम लेन देन करते उसका वर्गीकरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग, और उसका उद्देश्य यही है कि आपके बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस होने का पता लगाया जाए। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला एक चीज और दे रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? तो दे रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारण। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड ले लीजिए, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 2023। अब उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ और ये पता लगाना है, फिर क्या चाहिए हमारे पास? अकाउंटिंग। अगला देखिए, दूसरा नंबर पे क्या है, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। जैसे देखिए बिल्कुल सिंपल है कि आप लोग पैसा ऐसा बिजनेस देखते हैं ना, स्टार्ट हुआ आज बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ दिखाई देता है, बहुत ज्यादा सामान है। 1 साल 2 साल के बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे बिजनेस जो वैसे का वैसे रह जाते, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सामान वैसे रह जाएगा, और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो दिन पर दिन सामान कम होता जाता है, उनका प्रॉफिट का पता नहीं। समझे ना? तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त पर ये भी बताएगा कि पिछले साल आपके बिजनेस में कितना वस्तु था और इस साल आपके बिजनेस में कितना वस्तु। यदि आपको लग रहा है कि कम हो रहा है तो अपना इसकी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, नहीं सही है तो उसको प्रॉपर क्लियर है ना। और आगे कह रहे हैं कि किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लाई, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट तैयार। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए, चलिए हम एक बिजनेस कर दे रहा आप उसको करिए, आज समझे ना, और जो भी इनकम हो उसमें से 50-50 करिए। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए तो सर रिपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, कि अगर तुम आपके बिजनेस में 10 रुपए लगाए थे तो आखिर 10 रुपए कहाँ गए, पता तो करना होगा नहीं करना होगा। तब ये एक रिपोर्ट तैयार करके देगा, देखिए 10 रुपए आप हमको दिए थे तो 10 रुपए में हम 5 रुपए का जो है वो फर्नीचर परचेज किए, क्या परचेज किए, फर्नीचर, और 5 रुपया जो बचा था वो अपने बिजनेस का हम क्या किए, रेंट दिए। क्या किए बिजनेस का, रेंट। आया समझे ना? और इसी जो 10 रुपया आपने दिया था इसी के अपेक्षा हमने 2 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है, अब इस 2 रुपया में से आपका 50 और मेरा, लेकिन ये कब पता चलेगा, जब हमारे पास रिपोर्ट रहेगा, क्लियर है ना? तो जब भी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं रहेगा और दूसरी पार्टी को रिपोर्ट देना कि हम दे पाएंगे, तो वैसे कई सारा दिया है कि बिजनेस का ऑनर हो गया, आप काम कर रहे हैं, बिजनेस का ऑनर कोई और है उसको रिपोर्ट देना हो सकता है, इन्वेस्टर आपका बिजनेस दूसरा कोई पार्ट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, इम्प्लाई दिया है, अगर इम्प्लाई कोई काम करा तो उससे आप रिपोर्ट लेंगे नहीं, या हो सकता है कहीं गवर्नमेंट से आप क्या किए कोई फंड लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किए और आगे दे रहा है, क्या कल अब हो सकता है कोई पार्टी को और आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया, उसको क्या करेंगे, सारा रिपोर्ट तैयार करके, और बिजनेस में रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसका सहारा लेना होगा, ये इसका क्या है। और अगला कह रहा है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फायदा क्या है अकाउंटिंग करने का, कुछ फायदा होता है तो अकाउंटिंग करेंगे ना, क्योंकि इसमें कोई भी काम है तो जब तक फायदा नहीं तब तक वो काम होने वाला नहीं है, अकाउंटिंग करें कुछ फायदा तभी तो करेंगे ना। तो क्या है इसका बेनिफिट, एडवांटेज क्या है, जो कह रहा है आपके रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि आपके बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाए, आप किसे कितना परचेज किए हैं और किसे कितना में से, वो सभी का सभी ट्रांजेक्शन क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए। और अगला कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ प्रॉफिट और कि आप अपने बिजनेस में क्या करेंगे, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे इतना हमारा प्रॉफिट हुआ और इतना हमारा लॉस। और अगला कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ, कि आप अपने बिजनेस को भी निर्धारित करेंगे और साथ साथ आप अपने बिजनेस की क्या कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे था और इस साल किस पोजीशन पे था, आज समझे ना, एक ग्राफ बना बनता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए कि 2010 है, ये 2011 है, ये 12 है और ये क्या है 13 है और ये 14 है। तो अब जो हमारा ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं, तो मान लीजिए 2010 में यहाँ था, 2011 में यहाँ गया, फिर 2012 में यहाँ गया, फिर 2013 में यहाँ गया, ये ग्राफ बनता है तभी तो पता चले हमारे बिजनेस का ग्राफ क्या चला था। और नहीं तो इस समय जो भी हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं ना डेली या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर उसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी दे दिया,
जो ग्राफ बनाकर खुद से दिखा दे रहा है कि इस मंथ में इतना, अगले मंथ में इतना, अगले मंथ में आया, समझे ना? जिस मंथ में कम रहेगा उस मंथ में ग्राफ कम दिखाएगा, और जिस मंथ में ज्यादा उस मंथ में ग्राफ ज्यादा। ग्राफ हम पढ़े भी एक्सेल में, एक्सेल ग्राफ उसी प्रकार से था ना। अब अगला देखिए क्या रहा है, क्या कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, और अगला कह रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि अगर हमने काउंटिंग कर रहे हैं ना तो हमारे पास क्या रहेगा, एक कानूनी तौर पर हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा। जैसे अगर जो सपोज करिए कि हम किसी को, किसी व्यक्ति से कोई सामान सेल करते हैं, समझे ना, अब हम डेली का ट्रांजेक्शन करते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है नहीं, जो गुड्स हमारे पास से कोई परचेज ही नहीं किया, और वहां पर कहें नहीं हम आपके पास से परचेज करके लेके गए हैं, आप इसको रिटर्न कर, आया समझे ना। तो अगर जो हम रिकॉर्डिंग किए रहे हैं उस ट्रांजेक्शन का, कहीं कोई ट्रांजेक्शन है तभी तो दिखेगा ना, हमारे पास है तो हम कहेंगे बिना हम किसी एविडेंस का रिकॉर्ड नहीं करते, हमारे पास आपके अलावा आपके पास कोई सबूत है तो बताइए, ना कोई सबूत है ना हम उसको रिटर्न करें। अकाउंटिंग करें तो हमारे पास एक ये रहेगा, हमारे पास एक एविडेंस हो जाएगा नहीं ट्रांजेक्शन हमारे द्वारा, हर समझे ना। इसका बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लीजिए, हम टीवी खरीदने जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं, एक छोटा सा बल्ब ये खरीदने जाते हैं, क्या गारंटी है या फिर वारंटी, गारंटी यानी एक्सचेंज जो भी मिलेगा, गारंटी यानी उसी को सर्विस करते, हर समझे ना। तो अगर उनका नहीं गारंटी है उसके, उनको भी हर कैसे, अगर जो गारंटी या वारंटी कुछ दे रहा है, हम कुछ प्रूफ लेते हैं ना, कहीं कहीं लिखवाते नहीं लिखवाते, जब लिख दिया जाएगा तो वही हमारे क्या हो जाएगा, एविडेंस। अगर वो नहीं लिखेगा तो लिख जाएंगे, कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे कोई दिक्कत नहीं, लिख जाइए हो जाएगा, है ना, हर समझे ना। और वही चीज सपोज करिए वो दे दी आपको कितने साल के लिए, 12 मंथ के लिए, यानी एक साल के लिए दे दी, और आप 10 महीने के बाद से वो लेकर के जाएंगे, कहेंगे ये तो 20 साल से अधिक हो, आया समझे ना। लेकिन जब आपके पास एक एविडेंस रहेगा, आप बता सकते हैं देखिए भी हमारे जो गुड्स लिए थे 2 मंथ में क्या है, जो ट्रांजेक्शन करते हैं हमारा क्या होता है, एविडेंस भी हो जाता है। ये अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का एडवांसेस का ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब बारी आ जाती है कि हमको अपना ट्रांजेक्शन करना कैसे, जो दे रहा है क्या फेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करने जाए तो क्या क्या प्रोसेस हमको करना होगा, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन को समझेंगे, जो परचेस को उसको सेल एंट्री करेंगे, और जो सेल को परचेस एंट्री करेंगे, नहीं जाएगा ना, ये समझेंगे ना। मतलब आपसे अकाउंटिंग हमारा ये कहता है ना, जो परचेस है उसका सेल एंट्री करिए, और जो सेल है उसका परचेस एंट्री करिए, ये कहने से समझ रहा हूँ ना। हाँ, जो जिसका है उसका उसी में एंट्री करना, तो पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, समझना होगा, ना क्लियर है ना। चलिए एक बार पहले थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए ऊपर से, इस सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, और यदि दूसरी कोई पार्टी ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट की है उसको क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करके, क्लियर है ना। और उसके बाद हम पढ़े एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल, उसके फायदे क्या, फायदा भी तो है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो सारा का सारा क्या होता जाएगा, रिकॉर्ड होता जाएगा। बता रहे इधर तुम नीचे नोट कर रहे हो, क्या हुआ, पढ़ रहे हो, ध्यान लगा अब नीचे, यहाँ पेन पे लिख रहे अब ध्यान दीजिए इसमें। तो सबसे हम दूसरा तीसरा हम यही पढ़ेंगे एडवांस या फाइनेंशियल क्या फायदे हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाता है क्या, अकाउंटिंग साइकिल। देखिए सबसे पहला ये आपको बताता है कि कोई भी आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा तो पहले आप उसको समझिए, ट्रांजेक्शन क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को कैसे करना है ये आपको क्या करना होगा, समझना होगा। और ट्रांजेक्शन समझने के बाद आपको जनरल एंट्री करना है, अब क्या करना है, अब ट्रांजेक्शन क्या है, जनरल एंट्री क्या है, लेजर पोस्टिंग क्या है, पहले ये समझना। तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम ये कह दिए
परचेज ए कंप्यूटर, क्या कर दिए, परचेज ए कंप्यूटर ऑफ आर्यस 10, कितने का 10। और इसी में हम कर दिए बाई कैश, किसके द्वारा, कैश के द्वारा, नगद खरीदने उधार नहीं, आया समझ में ना, क्या ये कंप्यूटर परचेस किए हैं और किस बेस पे, कैश पे। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन समझना होगा कि आखिर आप ये परचेस कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, परचेस है तो परचेस में करेंगे और सेल है तो सेल में करेंगे। अगर जो कैश नहीं है क्रेडिट बेस पे है, बाद में पेमेंट करें तो पेमेंट कर, पेमेंट में, और बाद में किस पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीव। समझे ना, तो पहले ट्रांजेक्शन क्या करेंगे हम समझेंगे। अब ट्रांजेक्शन हमारे सामने आया, कोई व्यक्ति आपसे परचेस का उसको दे दी, तो ट्रांजेक्शन हम समझ लेंगे, हम परचेस की पर्च मेट्री कर लेंगे। अब जहां नोट करने के लिए चले गए कि पहला हमारा परचेस है और दूसरा हमारा क्या है, कैश। क्या हम परचेस क्या किए हैं, कंप्यूटर किए हैं, क्या परचेस किए हैं, कंप्यूटर खरीदे हैं और क्या दिए हम, कैश। हम लिखने के लिए जहाँ चले गए वही हमारा क्या है, जनरल एंट्री, क्या है, जनरल एंट्री। को माइंड में समझ लिए या नोट करके कहीं समझे, जैसे समझ हमने समझ लिया कि ट्रांजेक्शन को क्या करना, परचेज में करना। और जब परचेज में करना तो उस जगह पर हम लिखने के लिए चलेगा, तो वही हमारा क्या है, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। अब आप बताइए, हम कंप्यूटर का अलग और ये कैश का अलग अकाउंट बनाएं कि बनाएं, अलग अलग अकाउंट बनाना होगा ना, तो एक ही अकाउंट बना लेंगे बस। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या हुआ है कुछ पता चलेगा, तो दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाना होगा ना, तो ये नहीं, अलग अलग अकाउंट बनाना ही हमारा कहलाता है लेजर पोस्टिंग। क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन को पहले समझेंगे, जब एंट्री करने जाएंगे उसको उसकी अकाउंट के हिसाब से अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग। क्लियर है ना। हाँ, बस ये तीन फेज समझ लीजिए, तीन फेज के आगे हम तीन फेज समझते हैं, तीन फेज क्या करें, समझ आ रहा है ना। पहले ट्रांजेक्शन को समझिए और समझने के बाद आप एंट्री करने के लिए चले जाए, जहाँ एंट्री कर रहे हैं वही हमारा क्या है, एंट्री, जनरल एंट्री। आया समझे ना, लेकिन जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके नाम से करेंगे नहीं करेंगे, तो जिसके नाम से करेंगे वही हमारा क्या है, लेजर पोस्टिंग। आया समझे ना, क्या सपोज करिए हम एक रजिस्टर ये ओके ले, क्या ले लिए, ट्रांजेक्शन समझ ली, लिखने जा रहे जो लिख रहा हूँ जनरल एंट्री लिख रहा हूँ, क्या है, जनरल एंट्री। और इससे हम क्या क्या कर रहे हैं, वो जिसके नाम से करेंगे वो अलग अलग अकाउंट बनता है, और वही अलग अलग अकाउंट के बारे क्या क्या लगेगा, तो तीनों ये फेस क्लियर है, कंप्यूटर अकाउंट पे ही स्टॉक है, अकाउंट पे ही बनेगा, पहले अकाउंट बनेगा, एसेट्स है और एसेट्स अकाउंट बनता है, आगे बताएंगे। अरे समझे ना, अब इसमें देखिए ये तो हम तीन फेस समझ गए कि अंडरस्टैंडिंग का ट्रांजिशन क्या है, जनरल एंट्री का और लेजर पोस्टिंग। अब हमको समझना है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको क्या समझना है। देखिए अगर आप कहीं काम करिएगा ना, तो एक सुझाव जरूर नोट कर लीजिएगा कि डेली का डेली ट्रायल वाले जरूर चेक करें, क्या चेक करना होगा, क्योंकि जो भी आप गलती करेंगे ना वो सारा फाइंड करने को होता है ट्रायल वाले। एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, क्यों कैसे बताएगा, तो सपोज करिए कि आज हम जो है 10 रुपए का कोई सामान खरीदे, कितने रुपए का, 10 रुपए, 10 रुपए हमारे पास चला गया होगा, और यही हम 20 रुपए का क्या किए हैं, कोई सामान बेचे कि तो हम खरीदे थे, तो खरीदेंगे तो 10 हमारे पास चला गया, क्योंकि सपोज कि हमारे पास 10 रुपया था, 10 रुपए का सामान खरीदे, 10 रुपए चला गया, अब 20 रुपए का हम सामान क्या कर दी, बेच, तो जब 20 रुपए का बेचे हैं तो 20 रुपए हमारे पास दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, 20 रुपए दिखना चाहिए, और 20 रुपए दिख भी रहा है, लेकिन बाय में से जब ट्रांजेक्शन करने गए थे ना, तो 20 के 20 का एक जीरो और बढ़ गया, कितना हो गया, 200, कितना हो गया, 200। अब जब हम कम अपने कंप्यूटर में से करें तो 200 दिखाएगा, और जब अपने पास से करें तो 20 रुपए दिखाएगा। आ समझे ना, तो
तो हो सकता है कहीं आपने चेक नहीं किया प्रायर, आज चेक नहीं, आज ट्रांजेक्शन करने से परमिट कर और अंकन नहीं देखो तो सकता है कि सेल हो गया 20,200 हो गया, मात्र एक ही जीरो पड़ा है ना, और ये काफी मिस्टेक होता है, सिर्फ यही नहीं कहीं भी आप काम करेंगे तो काफी ज्यादा मिस्टेक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको फास्ट काम करना होता है, काम करने तो आप धीरे धीरे नहीं करेंगे, देखिए कैरेक्टर देखते तो फास्ट काम करना होता है, तो हम लोग ऐसे की ओर से टाइप करते हैं ना, ये बटन दबा के तो दबा ही रहता है, बस में तो कभी कभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इंटरव्यू में सुस्त है, अकाउंट बढ़ जाए नहीं पड़ता, और ये थोड़ी किसी से भी होता है, बस में ना जैसे सपोज के जो अभी फ्रेशर है उसका भी होगा जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास भी ऐसा समस्या आ सकता है, तो वो सुधारते कैसे हैं, तो डेली का ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, आया समझे ना, हम ये समझ लिए आज ट्रायल बैलेंस चेक नहीं किए और लेकिन काम दूसरे दिन चेक नहीं किए, दो दिन चार दिन के बाद चेक, तो उस दिन का वो दिखाएगा आज का तो नहीं दिखाएगा ना, मिस्टेक आज के दिन हुआ अब अगले दिन की जब चेक करें कुछ दिन का दिखाई, क्योंकि अब दोनों मिला करके दिखाएगा ना, अगर हम चेक करेंगे तो सपोज करिए पहले दिन का दूसरे दिन का और तीसरे दिन का तो तीनों मिला करके दिखाएगा ना, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक सारा चेक करवा कर मिस्टेक किस दिन हुआ तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, और अगर आज हम चेक किए और आज गलत बता दिया तो आज ही मिला लेंगे आप किसी तरह से आज किए थे ना उसमें एक्स्ट्रा तो नहीं चढ़ गया है हाँ इसी का ज्यादा होगा सही कर देंगे अमाउंट मैच लेकिन क्या चेक करना है उसके लिए क्लियर है ना, और ट्रायल बैलेंस देखिए कितना बड़ा मिस्टेक कर जाता है, अगर जो आपको लिखना है 10,000 कितना लिखना है 10,000 लिखा ना लेकिन बाय मिस्टेक 0 पड़ गया कितना हो गया एक डिफरेंट कितने का होगा हो सकता है आप कहीं काम कर रहे थे और काम करते रहे आपसे मिस्टेक हो गया आप 10,000 ट्रांजेक्शन किए तो सर आपको कैश मिल गया और जब अपने ऑनर को शाम को रिपोर्ट देने जा रहा है वो जब कंप्यूटर में चेक करा तो 1,00,000 रुपए दिखाई दे तो आपसे कैश 1,00,000 ही लेगा ना कितना लेगा और आप उसको ला करके देंगे 10,000 तो कहेगा बाकी का 90,000 कहाँ है पूछे नहीं पूछे तो आप रिपोर्ट कहाँ से देंगे आपको कुछ पता है ही नहीं तो आप कहें नहीं ये ट्रांजेक्शन मिस्टेक हो गया तो हमको नहीं पता है मिस्टेक नहीं हुआ है आप भरिए इसे हर समझे ना हम आपके सर्विस क्या करेंगे काटना नुकसान किसका होगा अकाउंटेंट का ही होगा हर समझे ना लेकिन वही अगर रिपोर्ट देने से पहले हम चेक कर लिए ट्रायल बैलेंस तो ये बता दिया होता कि आप चेक करिए हमारे कंप्यूटर में 2,000 दिख रहा है 1,00,000 दिख रहा है आपके पास कितना है हम पहले चेक करेंगे हमारे पास कितना है 10,000 तो कहते हैं हमने मिस्टेक किया जब देखेंगे हाई जगह मिस्टेक है मिस्टेक को हटा देंगे हमारा अपने आप प्लान से क्या जाएगा मैच हाँ समझे ना जब दोनों बैलेंस मैच कर जाएगा तो हमारे रिपोर्ट देने में कोई समस्या नहीं देखिए हम 10,000 का टोटल इनकम कमा है और ये 10,000 से आप कैश ये है ना तो डेली का चेक करना होता है ट्रायल बैलेंस चेक करना और क्यों चेक करना होता है क्लियर है तो देखा इसमें इसके बाद से अगला आपको क्या चेक करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस कि अगर जो आप ट्रांजेक्शन समझे थे एंट्री किए थे एंट्री करना उसके नाम से लेजर पोस्टिंग करें और आप ट्रायल बैलेंस चेक किए बैलेंस आपका बिल्कुल सही क्या उस ट्रांजेक्शन को करने में आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है प्रॉफिट या लॉस कुछ कुछ तो हुआ होगा ना अगर आप 10 रुपए का खरीदे हैं 15 रुपए में सेल कर दिए हैं तो आपका प्रॉफिट है 10 रुपए का खरीदे हैं और अगर जो आपको 9 रुपए में बेच दिया तब क्या हो रहा है ये पता लगाना होगा ना तो ये पता लगाने के लिए कहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड क्लियर है ना और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता नहीं लगाना इसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी पता लगाना क्या पता लगाना होता है और बैलेंस शीट इन सब में किसी का स्टेटमेंट नहीं होता ये होता है एसेट्स और लायबिलिटीज इसका किसका एसेट्स और अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है एसेट्स क्या और लायबिलिटीज तो पहले हम ये समझ लायबिलिटीज तो होता है कर लायबिलिटीज को क्या होता है कि अगर किस व्यक्ति से हम पैसा ले लिए हैं लोन के तौर पे उधार पे वो हमारे ऊपर क्या है लायबिलिटीज है कर आ समझे ना और जो वस्तु जैसे सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ वस्तु काम आए कि नहीं आए बिना किसी वस्तु का बिजनेस नहीं चलेगा ना तो जो भी वस्तु बिजनेस को चलाने के लिए मदद कर रही है वही एसेट्स क्या है वही क्या कह रहा है जैसे हमारी संस्था है अगर हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो ये ड्रेस वाले क्या है एसेट
पेन वाली क्या है ब्रेंच वाली क्या है क्लियर है, क्योंकि जितने भी बस में हम बिजनेस को चला रहे हैं वाले क्या कहलाएंगे एसेट्स, क्लियर है ना कैपिटल। अच्छा ठीक है सर, एसेट्स है इसमें अचल संपत्ति तो आती है, अचल संपत्ति ही आती है ना? दोनों आते हैं करंट और फिक्स दोनों आते हैं, आगे बताएं आ समझे ना, जो कम समय के लिए है और कुछ लंबे समय के, दोनों को अलग अलग कैटेगरी बांट रखे, जो कम समय के लिए वो करेंट और जो लंबे समय के लिए वो आया समझे ना। अब हम लोग ये समझ लेते बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दो चीज का रिपोर्ट होता है, पहला लायबिलिटी और दूसरा एसेट। लायबिलिटीज क्या है कर्ज, और एसेट्स क्या है जो बिजनेस को चलाने के लिए उसने काम। अब चलिए तो अभी तक हमको लास्ट रिपोर्ट तैयार करना है, और याद रखिए बैलेंस शीट शुरू में नहीं बनाया जाता, बिल्कुल तो लास्ट में बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, कि आपके ऊपर कर्ज कितना और आपके पास एसेट्स कितना। मान लिए कि एक तरफ हम एसेट्स ले लिए, एक तरफ क्या ले लिए एसेट्स, और दूसरी तरफ हम क्या ले लिए लायबिलिटी, आया समझे ना। अब मान लिए हमारे पास एसेट 100 रुपए का और कर्ज हम ले लिए 120 रुपए, कर्ज कितना ले लिए 120, हमारे पास ज्यादा प्रेशर मिलेगा और बिजनेस बंद करना भी होगा, एसेट सर हम बेच करके भी देंगे तो भी हमारे पास कितना रह जाएगा 20 रुपए, हम पर नुकसान हो रहा है कि नहीं हो आया समझे ना। तो वही बताएगा ये एसेट्स और लायबिलिटीज कि आपके पास एसेट्स कितना और आपके पास कर्ज कितना, आया समझे ना। लेकिन यही ये हुआ कि हमारे पास एसेट्स ज्यादा है, हमारे पास एसेट्स क्या है, मान लीजिए एसेट्स हमारे पास 200 रुपए का है और कर्ज हमारे पास मात्र कितना है 80, आया समझे ना। और तो भी ऐसा हुआ तो एसेट्स के पक्ष हमारा लायबिलिटीज क्या है कम है कि नहीं, आया समझे ना। बस ऐसा हमने इसको मैनेज ये है ना, ये सारा रिपोर्ट चेक करना तो हम उसके लिए कहाँ पे आएंगे, आप समझे ना। अब यदि एक ही कर्ज हम लोग को समझना तो पहले हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन हम किस प्रकार से समझेंगे, और हम ये जाने कि ट्रांजेक्शन को कैसे समझा जाता है तो हम उसका एंट्री करना सीखेंगे, तो क्या करना सीखेंगे एंट्री करना सीखेंगे, और जब एंट्री करना सीख लेंगे हम लेजर पोस्ट करना सीखेंगे कि कैसे अकाउंट बनाते हैं और किस अकाउंट को कहां पे रखते हैं, ये है ना। और जब ट्रायल ये जब पढ़ने हम लेजर पोस्टिंग करना तो हम सीख करेंगे क्या, लेकिन कब जब हम ट्रांजेक्शन एक्सेस करना सीख जाएंगे, क्लियर है ना। और उसके बाद जब हम ट्रायल वाले चेक कर लेंगे तो हम चेक करेंगे हमारा बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है कि, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे बैलेंस चेक करना होता है बनाना नहीं, क्योंकि अभी हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो थ्योरी हम लोग को बनाना ही होगा क्योंकि हम लोग कहीं ट्रांजेक्शन नहीं किया ना। लेकिन ये जब हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे तो प्रैक्टिकल हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, बस रिपोर्ट चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जा कर भी जाकर कितना प्रॉफिट और कितना, आया समझे ना। अब याद रखिएगा ना ही ट्रायल बैलेंस आपको बनाना होता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ना ही बैलेंस शीट, ये बना बना आपका रिपोर्ट तैयार हो जाता है कब, कि जब आप ये तीनों फेस कर लेंगे, क्लियर है ना। तो अभी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद से देखिए सबसे जरूरी समय कहा जाता है क्या, अकाउंटिंग का क्या जाता है अकाउंटिंग। अब इस अकाउंटिंग कर के बाद से हम काफी किस्म का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अब अगला क्या मिलेगा उनका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये है ना। हाँ याद रखिएगा यही दो चीज हम लोग को पढ़ने में टाइम भी लगेगा ज्यादा, अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और यदि आप अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और इसका एक बार आपको मिलेगा गोल्डन रूल, ये तीन टॉपिक को आप मंथ पढ़ लेते हैं ना, ये नोट्स आप लोग को 70 पेज का मिलेगा, कितने पेज का 70 पेज का, और टोटल नोट्स आपका उसी के ऊपर डिपेंड है ये तीन टॉपिक के ऊपर, आ समझे ना। और यदि आप ये तीन टॉपिक पढ़ ले रहे हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने जाएंगे तो आपका ये अकाउंटिंग काम, आ समझे ना, क्योंकि किसी बिजनेस में जाएंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट पहचानना होगा, तो पहचानने के लिए कौन काम करेगा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को वही ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेबिट क्रेडिट पहचानना होगा ना, क्लियर है ना। तो ये आज आप बस समझ करके आइए कि अकाउंटिंग है क्या, किस फेज पे काम करता है, और बाकी अगली क्लास आपको पढ़ाई है अकाउंटिंग, नहीं नोट्स दिया जाएगा आपको दो तीन दिन अच्छी।